बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम फिश कबाब या मछली के कबाब ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसके लिए जिन अज़ा की जरूरत होगी वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने सुरमई फिश ली है। इसमें कांटा कम होता है, यानी बीच का एक कांटा होता है और ज्यादा कांटे नहीं होते हैं, और ये ज्यादा पुरगोश अच्छी गोश्त वाली फिश है, तो इसलिए हमने 1 kg ये ली है। इसकी डूम और जो सर का हिस्सा है वो अलग कर लिया है हमने, और ये बीच के जो अच्छे वाले पीस है वो हमने यहाँ पर लिए हैं। और ये मसाले हैं, इसमें हरा धनिया है, 1 inch अदरक का टुकड़ा है, और हरी मिर्ची, 1 हरी मिर्ची है। हम क्या करेंगे, ये मसाला जो है पीसेंगे और ये फिश पे लगाएंगे, थोड़ा नमक भी लगाएंगे, और इसे भाप पे पकाएंगे। उसके अलावा हमें जो मसालों की जरूरत होगी, तो यहाँ पर ये दलिया है, दलिया यानी कि ये चने है, भुने चने ये इस तरह से मिलते हैं, तो इसका भी हम पाउडर बाद में फिश में लगाएंगे। 1 नींबू है, इसका रस लगेगा हमको, और ये 3 आलू है दरमियानी साइज के, ये उबाल के रखे हुए हैं। 1 प्याज है जो बहुत बारीक हमने काट ली है, कुछ पुदीने की पत्तियां हैं, कुछ हरा धनिया है, और ये हरी मिर्चें हैं 6-7, ये भी हमने बारीक काट ली है। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर तीखा खाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं इसे। ये हमने बटर लिया है, ये गार्लिक बटर है, क्योंकि ये फिश जो है जब कबाब बनते हैं तो बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो जब ये हम उसमें बटर मिलाते हैं तो बहुत जूसी और बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि हम जो बैटर बनाएंगे, घोल बनाएंगे फिश को फ्राई करने के लिए, उसमें भी थोड़ा जाएगा, और अभी हमारा जो फ्राई का मसाला बनेगा उसमें भी थोड़ा यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हरा वाला लहसुन था, यानी कि कच्चा लहसुन जो होता है वो उसकी हरे वाले पार्ट को भी हमने यहाँ पर पीस दिया है, और अदरक थोड़ा सा ऐड करके लहसुन को भी पीस लिया। ये हमारे पास कुछ मसाले जिसे हमको मोटा मोटा सा पीसना है। इसमें है 1 teaspoon काली मिर्च, 1 teaspoon ज़ीरा, और 1 teaspoon ही हमने धनिया लिया है, साबुत धनिया, और 1/2 teaspoon हमने यहाँ पर अजवाइन ली है। 2 अंडे लिए हैं, 1 अंडा जो है हमारा बैटर बनाने में जाएगा, जो हम उस पर लगाएंगे, यानी डुबो के जिस पर तलेंगे घोल, उसमें एक जाएगा, और एक जो हमारा मसाले के साथ में यूज़ होगा। नमक हसबे जायका लगेगा। यहाँ पर हमने मैदा लिया है, ये 2 टेबल स्पून है, और ये कॉर्नफ्लावर है, ये भी 2 टेबल स्पून है, यानी कॉर्नफ्लावर और मैदा, और उसमें जाएगी 1 teaspoon ये काली मिर्च का पाउडर। ये हम अंडा, कॉर्नफ्लावर, मैदा और काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन मिला के एक बैटर तैयार करेंगे, उसमें हम पानी ऐड करेंगे, और फिर बाद में उसमें डुबो के हमारे जो है कबाब वो फ्राई करेंगे। ये हमारे पास जो है चाट मसाला है, ये भी हम जो है बाद में ऐड करेंगे, और ये वेनेगर है। वेनेगर आप अपने पसंद से जितना चाहिए डाल सकते हैं। हमने एक छोटा सा चम्मच 1 teaspoon इसमें लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि इसका टेस्ट जो थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए हम इसको कम ही यूज़ करेंगे। और 1 नींबू का रस जो है वो शामिल करना है हमारे बैटर में। तो ये हो गया हमारा सब सामान, अब क्या करना है आपको आगे का बताते हैं। पहले हम ये मसाले को पीस लेते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। नाज़रीन, हमने ये बड़े बर्तन में फिश निकाल ली है, और हमने जो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची और धनिया पीस लिया है, और अब जो है हम उस पर सारी फिश पे अच्छे से लगा देते हैं। नमक अभी हम बहुत कम लगाएंगे, नमक अभी नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर पानी इसका वो हो जाता है, रिलीज हो जाता है। थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। सभी टुकड़ों पे हमको क्या करना है, ये मसाले को अच्छे से ऐसे रब करना है, अच्छे से लगाना है। इससे क्या होता है कि इसकी बिसान जो होती है ना वो कम हो जाती है, यानी फिश के कबाब खा रहे हो आप तो उसमें बिसान नहीं आती है और अच्छे लगते हैं। अब इसको भाप पे पकाएंगे, हम पानी में उबालेंगे नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उबाल देते हैं, तो उबालने से क्या होता है उसका अरक जो है सारा पानी में निकल जाता है, तो फिर उसमें क्या बाकी ही नहीं रहता कबाब बना रहे, तो पूरी उसकी जो एनर्जी है या उसकी जो भी चीज़ें हैं हमको मिलना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर कबाब पे आप करते हो तो आपका कांटा जो है इसका इजीली निकल भी जाता है, फिश अच्छे से हो भी जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है, कांटा भी निकल जाता है, और हमारे जो कबाब है उसका टेस्ट भी खराब। नाज़रीन, हमने एक बड़े मुँह की देगची ले ली है, और एक छलनी ली है, छलनी पर हमने ऑयल ग्रीस किया है, ऑयल लगा लिया है, पानी में हमारा जोश आ रहा है, इसमें 2 गिलास पानी हमने डाल दिया है, और अभी छलनी इस पर रख देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इस फिश के पीसेस से वो अरेंज करते हैं। हम चाहे थे तो इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं आप अगर चाहो तो, क्योंकि माइक्रोवेव में ये 5 मिनट में हो जाती है, और लेकिन अभी हर एक के घर में माइक्रोवेव नहीं होता है, तो ये इस तरह से करो तो भी ज़्यादा बहुत अच्छी बनती है, और अगर स्टीमर आपके पास है तो उसमें भी बना सकते हैं, इडली के सांचे में भी आप इसको भाप पे रख सकते हो। ये करने का मतलब ये है कि आप इससे इजीली कांटा जो है वो अलग कर सको।
बहुत अच्छी निकल रही है इसमें से। अब एक अच्छा ढक्कन लगा के हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बिल्कुल पैक करके इसको रखना है ताकि ये अच्छी तरह से अपनी भाप में पक जाए। ढक्कन है हमारे पास, इसको लगा देती हूँ। इसके बाद मान रही हूँ बस आँच जो है हमारी मीडियम कर देते हैं गैस की फ्लेम को। 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये भाप पे पकते हुए फिश को 10 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको निकाल के देख रहे हैं। ये हो चुकी है सॉफ्ट, नज़र आ रही है यहीं से देखो आप, लग रहा है हो गई है। अभी हम इसको निकाल देंगे, ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसके कांटे अलग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है और फिश का कांटा भी निकाल दिया है और उसको थोड़ा सा मिक्सर में से घुमा के निकाल दिया फिश को और पूरे कांटे हमने निकाल दिया इसमें। इसमें हम शामिल कर देते हैं आलू के साथ में फिश को अच्छे। अब सारे मसाले हमको मिलाने हैं। सबसे पहले तो हम बटर इसमें शामिल करते हैं। ये बटर हमारा गार्लिक बटर है, इससे क्या होता है कि बहुत ड्राई नहीं होते। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो जो हमारे मसाले हैं वो भी शामिल करते हैं इसमें। तो ये हमने जो सूखा धनिया, काली मिर्च, जीरा पीसा था ये डाल देते हैं इसमें। ये हमारे पास प्याज है, मिर्ची है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, धनिया हरा शामिल करते हैं। ये चाट मसाला है ये भी शामिल कर देते हैं। ये अंडा है ये तोड़ के रखा हमने, ये इसमें डालते हैं। और ये अदरक लहसुन है ये भी थोड़ा शामिल करते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा पेस्ट उसमें भी मिलाना है बैटर में, थोड़ा बचा लेते हैं। और नमक अभी हम शामिल नहीं करते, चक्के डाल रहे हैं क्योंकि चाट मसाले में भी और फिश में भी हमने थोड़ा लगाया है तो हो सकता है कि ज़ायद हो जाए। और अब क्या करते हैं हम, ये नींबू का रस है, एक नींबू का रस है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम करते हैं, चखेंगे अगर ज़रूरत लगी तो फिर शामिल कर देंगे। ये ज़्यादा अगर आपको नरम लगे, अभी हमने जो दलिया पीस के रखा है वो थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे ताकि ये जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है कबाब का मसाला तैयार हो जाए। अभी ये जो है थोड़ा थोड़ा सा चने काटा, चने काटा यानी वही भुने चने काटा है तो ये शामिल करते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाना है। काली मिर्च हमारे पास तो थोड़ी शामिल करते हैं उसमें। काली मिर्च हमने वैसे पीसी है थोड़ी और धनिया के साथ। अच्छा सा ये हो गया है तैयार, अभी हम चखते हैं इसमें नमक वगैरह और जो कम है ज़्यादा है आपको बताते हैं बाद में। नाज़रीन हमारा ये जो है कबाबों का मसाला तैयार हो गया है, हमने इसमें थोड़ा नमक और डाला और इसमें हमने 3 हरी मिर्च और बारीक काट के डाली और नमक चख लिया और नींबू का रस पूरा डाल दिया। अब ये बिल्कुल बहुत अच्छा बन गया है, अब और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका जो बैटर है उसके अंदर डिप करके जिसको तलेंगे हम उसको तलेंगे, वो बैटर कैसे बनाना है वो दिखाते हैं। नाज़रीन आपको ये आटे में हमने पानी से थोड़ा गोल बना लिया है, अब इसमें अंडा डालते हैं। काली मिर्च,
थोड़ा नमक और ये विनेगर, विनेगर भी थोड़ा ही डालती हूँ। और ये अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट रखा था वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें पानी मिलाते हैं और बहुत गाढ़ा घोल नहीं रखना है, बस इसी तरह से करना है। इसको हम नमक टेस्ट कर लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा नमक और डालते हैं। ये हमारा बैटर जो है तैयार है। अब क्या करते हैं हम, ये जो है हमारा कबाबों का आटा, इससे हम कबाब तैयार कर लेते हैं और फिर आपको फ्राई करके दिखाते हैं। नाज़रीन अभी आपको ये हम आटे से कबाब कैसे बनाना है दिखाते हैं। ये एक छोटा नींबू के साइज का हमने बॉल लिया, इसमें साटा लिया और इसको फिर आप जैसे शेप पे चाहो, बड़े छोटे जैसे आप पसंद है ऐसा बना सकते हैं। गोल शेप में चाहिए तो गोल, गोल शेप में चाहिए तो वैसे, जैसे आपको शेप चाहिए वैसे। हम शामी कबाब की शेप में बना रहे हैं इसको, ये सारे बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये कबाब हमने बना के तैयार कर लिए हैं और ये बैटर भी हमारा तैयार है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए ले रहे हैं। ऑयल हमने गर्म पे रख दिया है, इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो हम जो है फुल तेल में नहीं फ्राई करते हैं, अभी शैलो ही फ्राई कर रहे हैं। ये बैटर में डिप करने के बाद में हम इसे हमने बिल्कुल स्लो आंच रखी है क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म है। चम्मच से उठाना है क्योंकि बैटर जो हमारा लिक्विड ही है, पतला है। अब बगैर इसके बैटर के भी फ्राई कर सकते हो, वैसे भी हो जाएंगे। बहुत से लोगों को अंडा पसंद नहीं आता है तो आप बगैर अंडे के भी फ्राई कर सकते हो, सादे ऐसे ही खाली शैलो फ्राई भी कर सकते हो। होने देते हैं, पूरे अच्छे से सेक लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये हमने स्लो आंच पे कबाब जो है बहुत अच्छे से सेक लिए हैं और ये अभी हो गए हैं तकरीबन। तो अभी हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, निकाल लेते हैं पहले प्लेट में और फिर सर्विंग प्लेट में आपको निकाल के बताते हैं। लीजिए नाज़रीन हमने ये कबाब जो है डिश आउट कर लिए हैं और ये बहुत लजीज और बहुत अच्छे बने। बाहर से जो है क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है और जायके में भी बहुत बेहतरीन है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।